साल 2023 के लिए 69वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों की घोषणा हो गई है। देश में सिनेमा के जश्न के सबसे बड़े फिल्म पुरस्कारों की घोषणा 24 अगस्त की शाम 5 बजे नई दिल्ली में हुई। इसमें आर माधवन की फिल्म रॉकेट्री द नंबी इफेक्ट को बेस्ट फिल्म चुना गया है। वहीं पुष्पा के लिए अल्लू अर्जुन को बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला है। बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड सम्मिलित रूप से आलिया भट्ट को गंगूबाई काठियावाड़ी के लिए और कीर्ति सेनन को मिमी के लिए दिया गया है। फिल्म पुरस्कारों के लिए 28 भाषाओं में कुल 280 फिल्मों की एंट्रीज आई थी। इनमें बेस्ट फीचर फिल्म जहां रॉकेट्री को चुना गया, वहीं बेस्ट हिंदी फिल्म का अवार्ड सरदार उधम सिंह को मिला, जिसमें विकी कौशल लीड रोल में थे। बेस्ट एडिटर का राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार संजय लीला भंसाली को फिल्म गंगूबाई काठियावाड़ी के लिए दिया गया। वहीं बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर मिमी के लिए पंकज त्रिपाठी चुने गए हैं। बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस का अवार्ड पल्लवी जोशी को द कश्मीर फाइल्स के लिए मिला है। वहीं द बेस्ट म्यूजिक डायरेक्टर का अवार्ड देवी श्री प्रसाद को पुष्पा के लिए दिया गया है। बेस्ट एक्शन डायरेक्टर, बेस्ट कोरियोग्राफी और बेस्ट स्पेशल इफेक्ट्स, ये तीनों ही अवार्ड RRR की झोली में गए हैं। गुजराती फिल्म द लास्ट शो, जिसे छेलो शो के नाम से भी जाना जाता है, उसे बेस्ट गुजराती फिल्म चुना गया है। रक्षित शेट्टी की फिल्म 777 चार्ली को भी बेस्ट कन्नड़ फिल्म चुना गया है। गुरुवार की शाम जहां भारत सरकार की तरफ से पुरस्कार जीतने वाले विजेताओं के नाम की घोषणा की गई है, वहीं आगे आने वाले महीनों में सिनेमा की दिग्गज हस्तियों को सम्मानित करने के लिए कार्यक्रम का भी आयोजन किया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, नवभारत टाइम्स।